नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हारमोनियम गुरु में। मैं गुरप्रीत सिंह एक बार फिर से हाजिर एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कोई भी गाना कैसे निकाल सकते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग खुद से गाना निकालना चाहते हैं और खुद से गाना निकालने में उनको एक दिक्कत होती है। तो ये इस वीडियो में आपको तीन ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा, अगर आप उन तीन स्टेप को फॉलो करते हो तो आप कोई भी गाना निकालने में सफल हो जाएंगे। तो देखिए, गाना निकालने में के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी होती है, सबसे पहले आपको जो चीज़ समझनी है गाना निकालने के लिए कि क्या चीज़ हमें ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है अपन को जो समझना चाहिए हमें गाना निकालने से पहले, देखिए जो आवाज़ होती है, ठीक है, जो अपनी आवाज़ होती है ये तीन हिस्सों में बांटी होती है। अभी देखिए, ये तीन स्टेप में बांटी होती है। अभी देखिए, ये कोई भी हमारी जो नॉर्मल अपन जो बात कर रहे हैं, हमारी आवाज तीन हिस्सों में बांटी होती है। पहला हिस्सा होता है लो, ठीक है, बहुत कम आवाज। फिर होती है मीडियम, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आती है कैटेगरी हाई, ठीक है। हर एक गाने में ये फंडा जब तक आपको नहीं समझ आएगा, आवाज़ का फंडा नहीं समझ आएगा, तब तक आप कोई भी गाना पकड़ नहीं पाओगे कि ये जो गाना है कैसे चल रहा है और इसकी रेंज क्या है। गाने की रेंज पकड़ने के लिए आपको इन तीनों चीज़ों का मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आवाज़ है बिल्कुल लो है, लो में है, लो फ्रिक्वेंसी में है, या मीडियम फ्रिक्वेंसी में है, या हाई फ्रिक्वेंसी में है, ठीक है। तो हारमोनियम की भाषा में भी आवाज़ तीन हिस्सों में बांटी हुई है। अगर बोला जाए तो पहले में आती मंदर सप्तक, ठीक है, और बीच में आता है मध्य सप्तक मीडियम, और फिर आता तार सप्तक। ठीक है, हारमोनियम की भाषा में इसको ऐसे बोला जाता है। जनरली हम अपनी भाषा में बोलते तो हमको बोलते उसको लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, और हारमोनियम की उसको भाषा में बोलते हैं मध्य, मंदर मध्य और तार, ठीक है। मंदर मतलब लो फ्रीक्वेंसी, लो आवाज़, और मध्य मतलब मीडियम आवाज़, और तार मतलब आपकी आवाज़ ऊंची, ठीक है। अभी समझिए, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे के क्लियर करता हूँ। मान के चली आपने किसी के कान में बोला, अरे कैसा है तू, तो मतलब ये जो आवाज़ है बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल कम है, तो ये जो आवाज़ आएगी अपनी इस वाले में आएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल लेते हैं मीडियम की। मीडियम की एग्जांपल समझने के लिए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, एक प्यार का नगमा है, तो ये मैंने बिल्कुल आसान से मीडियम में बोला। अभी इसमें क्या होता है कि जो मीडियम होता है उसमें आपके गले पे एफर्ट नहीं लगता, बिल्कुल स्मूथली चलता है, बिल्कुल स्मूथली आप उसको आसानी से गले से निकाल सकते हो। अभी बात आती तार सप्तक की या फिर हाई फ्रीक्वेंसी की। अभी देखिए, एक गाना है, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, मेरा एफर्ट लग रहा है, तो मतलब जो ये ऊंची आवाज़ है सुनने में भी पता चल रहा है, तो ये अपनी तार सप्तक की आवाज़ है। अभी आपको शायद इसमें अंतर पता चल गया होगा कि मंदर की आवाज़ कैसी होती है, मध्य की आवाज़ कैसी होती है, तार की सप्तक की आवाज़ कैसी होती है। अगर आप हारमोनियम पे भी सुनेंगे वो चीज़ आपको सेम मिलेगी। आप देखिए, ये अपन हारमोनियम का मंदर सप्तक, इसकी आवाज़ सुनिए बहुत मोटी है, देखिए। अभी देखिए मध्य की सुनिए, तार की उससे भी ऊपर होगी, पतली होगी आवाज। आपको डिफरेंस समझ आ गया, मैंने प्रैक्टिकल भी बता दिया और ये चीज़ नॉर्मल भी बता दी, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको करनी है हारमोनियम पे, जब भी आपको गाना निकालना है, सबसे पहला स्टेप आपका आता है कि आपको उस सिंगर की जजमेंट करनी कि वो कहाँ पे गा रहा है। आपको मान के चलिए हारमोनियम में अपने तीन सप्तक, आपको सिंगर की आवाज़ का जजमेंट ही नहीं हुआ कि सिंगर मध्य में मंदर में गा रहा है, मध्य में गा रहा है कि तार में गा रहा है।
तो आप क्या गाना निकालोगे? तो सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ये फंडा जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई गाना नहीं निकाल पाओगे, कोई गाना नहीं पकड़ पाओगे। जनरली जो रूल होता है हमारा गाने का, ठीक है, जो अपने मेल लोग जाने कि आदमी लोग गाते हैं, ठीक है, वो पहली काली से लेकर, मान के चलिए आप इस पहली काली से लेकर दूसरी काली तक गाते हैं, इस मतलब कि इस पहली काली, दूसरी काली, तीसरी और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक उनकी रेंज होती है, ठीक है, यानी कि पहली काली से तार सप्तक की पहली काली, ठीक है, समझ लीजिए, तार पहली काली से तार सप्तक की काली, जो औरत की आवाज़ होती है यानी कि लेडीज की आवाज़ होती है वो आदमी से ऊपर होती है, क्योंकि उसकी आवाज़ पतली होती है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ आपको दिमाग में बिठानी कि हमारा जो आदमी का गला होता है वो बेस वाला होता है, तो बेस वाला मतलब कि वो बंदा ज़्यादा ऊंचा नहीं गा पाएगा, औरत के गले की आवाज़ पतली होती है तो वो मतलब अपने से थोड़ा ऊंचा गा पाएगी, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अभी बात आती दूसरी बात, अपन ने गाना सुना, दूसरा स्टेप क्या है गाने को निकालने के लिए, आपने गाना अच्छे से सुना होना चाहिए। अभी पहला स्टेप था आपको, आपको पता होना चाहिए उस गाने की रेंज क्या है, कि वो कहाँ पे चल रहा है, लो में चल रहा है, मीडियम में चल रहा है, यानी कि मध्यम में चल रहा है, या तार में चल रहा है। आपको सबसे पहले ये सुन के पता चलना चाहिए कि गाना किस रेंज में चल रहा है। दूसरी जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो है आपको पूरा गाना पता होना चाहिए, आपको गाने का हर एक अंग पता होना चाहिए। अभी जैसे मान के चलिए मेरे को, मैंने ये गाना सुना ही नहीं है, मेरे रश के कमर, तो मैं उसको कैसे गाऊंगा और कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको म्यूज़िक उस गाने का, सॉन्ग याद होना चाहिए, ठीक है, सॉन्ग याद होना चाहिए, दूसरा स्टेप ये है। देखिए सॉन्ग अगर आपको हर एक, मान के चलिए एक गाना आपने 100 बार सुन लिया और एक गाना आपने 2 बार सुना है, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे कि आपको वो जल्दी समझ में आ जाए, जल्दी निकालोगे? ऑब्वियस सी बात है, जो गाना आपने ज़्यादा बार 100 बार सुना है उसका आपको हर एक पार्ट, हर एक लाइन याद होगी, और जो 2 बार सुना है उसका आपको कुछ भी नहीं याद होगा, हद से पहली लाइन ही याद होगी, ठीक है। ये चीज़ लागू होती है दूसरी गाने में। तीसरी तीसरी चीज़ आती गाने में, गाना को ढूंढा कैसे जाए, ठीक है। तीसरे बात आती गाने को ढूंढना कैसे, तो देखिए ढूंढने की बात आती है, आपने गाना सुना, आपको गाना याद हो गया, आप उसको पहले सोचिए कि आपको गाना कहाँ से है, आप उसका डिसाइड करिए। आप मान के चलिए आप चाहते हैं कि मैं इसको तीसरी काली से गाना चाहता हूँ, इस गाने को मान के चलिए, मैं इस गाने को ढूंढना है मेरे को, ये गाना मेरे को याद अच्छे से, मैं इसको तीसरी काली से ढूंढना चाहता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको इस सुर को दिमाग में लेना है, इसका स्केल पहचान, इसकी जो मतलब की रेंज है, जो मान के चलिए आप अभी जो गाना है वो तीसरी काली की रेंज में गाना चाहते हैं, अभी इसमें गाता हूँ, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, ठीक है, मेरे रश के कमर। अभी मेरे को ये पता चल गया कि मैंने इस रेंज पे गा के देख लिया कि ये गाना मेरे लिए, गाना इस रेंज पे आसान है। अभी कुछ गाने ऐसे आएंगे वो आपकी इस रेंज पे फिट नहीं बैठेंगे, ठीक है, आप कोई और गाना गा के देखिए। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ तय होनी चाहिए कि आपके लिए जो आपने रेंज चुनी, मान के चलिए आपने तीसरी काली को डिसाइड किया, मेरे को तीसरी काली से गाना गाना है या निकालना है, आपको ये सोचना है क्या ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, मेरे गले के लिए, मैं वो जो चीज़ निकालना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं गाना चाहता हूँ, क्या वो मेरे हिसाब से मेरे जोन में सेट हो रही है? अगर नहीं हो रही तो आप दूसरी काली पे जाओ। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इस पे अच्छे से गा सकता हूँ और उससे ऊपर वाले पे गा सकता हूँ, फिर आप वो स्केल चुनो। अभी स्केल चुन लिया, बात आती है, ठीक है, आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया कि आपने अपने गले के हिसाब से अपने एक रेंज चुनी, मान चले आपने तीसरी काली रेंज चुनी। उसके बाद देखना है, आपने पहले स्केल पकड़ा, अभी आपको जो भी गाना इस रेंज के अतिरिक्त गाना, इसी रेंज के अंदर गाना है, फिर उसके बाद आपने गाना गया, मेरे रश के कमर,
तो आप देखिए मेरे नीचे जा रहा है, मेरे रश के कमर बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो अपन का गाना भी होगा जो मान के चलिए अगर हम यहां से निकालेंगे, मेरे रश के कमर की गारे सा 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 नीचे जा रहा है। अभी मैं यहीं पे इसी रेंज पे एक और गाना पकड़ता हूँ, देखिए एक प्यार, देखिए एक प्यार ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा, देखिए एक प्यार का नगमा है ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो दूसरी ये तीसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जो स्वर हैं इनकी गैपिंग का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि गाने में उतार चढ़ाव कैसे जा रहा है, उसका कर्व कैसे है। अभी देखिए आपको मैं ये भी चीज़ पेपर के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए हमने पहला गाना लिया था मेरे रश की कमर, मेरे रश की कमर, ठीक है अपने पहला गाना चला। अभी देखिए ये अपना स्केल है तीसरी काली जहाँ से हम गाना गाना चाहते हैं, ठीक है। अभी इस तीसरी काली से लेकर आपका यानी कि ये आपका सा है, ठीक है, इस सा से लेकर इस तार सप्तक के सा तक आपको इस रेंज में वो गाना गाना है, यानी कि मेरे रश के कमर को आपको इसी रेंज में गाना है, ठीक है। अभी देखिए ये अपना रेंज हो गया सेट, हमने तीसरी काली से गाना, तीसरी काली हमारा सा है। अभी यहाँ से हमने एक बार देखिए इसको सुर को हम सुन लेते, तो ये अपना तीसरी काली। अभी देखिए मेरे रश के कमर, आपको देखिए मेरी आवाज़ से मैंने शुरू किया, मेरे रश के कमर ऐसे जा रही है मेरी आवाज़, यानी कि मैंने शुरू किया ऊंची आवाज़ से बट नीचे चला गया, ठीक है। तूने पहली नज़र, फिर वही चीज़ आ गई, तूने पहली नज़र। इस तरीके से गाने की आपको पता होना चाहिए कि गाना ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अभी मैं इसी रेंज पे एक और गाना गाता हूँ, देखिए ये अपना सा है और ये तार सप्तक का सा है। अभी देखिए एक प्यार, देखिए एक प्यार ऊपर जा रहा है, मतलब कि ये गाना यहाँ से उठ के यहाँ पे जा रहा है, का नगमा है, फिर वहीं पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि ऊपर से उठा फिर रुका फिर नीचे आ गया। जब तक ये चीज़ें नहीं आपको समझ में आएंगी तब तक आप कोई भी गाना नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहली चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, ढूंढना फोकस करिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी बंदा पहले दिन से हारमोनियम बजाना नहीं सीखता, वो भी एक्सपेरिमेंट कर करके ही सीखता है। अभी देखिए आपने मान के चलिए मैंने यहाँ से गाना निकाला एक प्यार का नगमा, देखिए अभी देखिए शुरुआत में गलत सुर लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। आप ये नहीं लग रहा तो ये लगा के देखो, ये नहीं लग रहा तो ये सुर लगा के देखो, ये नहीं लग रहा तो ये लगा के देखो, ऑटोमेटिकली आपके हाथों को आपकी उंगलियों को आइडिया हो जाएगी कौन से सुर की गैपिंग कहाँ पे और कौन से सुर की जो जगह है, उंगलियों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, स्वर याद हो जाएंगे, ठीक है। जब तक इंसान को गाना तब तक नहीं निकालना था जब तक उसके दिमाग में उस गाने की रेंज नहीं बैठती और उसकी उंगलियों को उन स्वरों का नहीं पता चलता कि ये इस गाने में जो स्वर हैं कहाँ से कैसे होंगे, ठीक है। तो ये आएगा अभ्यास से, आप एक गाना निकालेंगे उसमें आपको दो चार स्वर गलत लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं छोड़ना नहीं, दूसरा गाना निकालो उसमें भी लगाओ, कम से कम 30-40 जब गाने आप खुद से ऐसे निकालने लग जाओगे ना तब आपको हवा आनी शुरू हो जाएगी ये फंडा क्या है, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि गाना निकालना कितना आसान है, ठीक है। आप तो ऐसे ही मतलब परेशान हो जा रहे, तरीका यही है कि आप पहले एक गाना पकड़े उसमें गलती लाजमी होंगी, उसको छोड़ना नहीं, लगे रहो इसी तरह 20-30 गाने निकालो, आपको जब 20-30 गाने आपको खुद से निकालने आ जाएंगे ना इस तरीके से टूटे फूटे निकले कोई दिक्कत नहीं, हमें लगे रहना है। क्योंकि देखिए पहले दिन से कोई भी सीख के नहीं आता, सभी मेहनत करते हैं, ठीक है, वो बात अलग है, किसी को भगवान की देन है वो बात अलग है, ठीक है, बट उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत उसको भी एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ एफर्ट से ही आएगी, एक्सपेरिमेंट करने से ही आएगी। तो मैंने तरीके बता दिए हैं आपको, कोशिश करते रहो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, तरीका यही है। अगर मैं बोल दूँ कोई और तरीका है, कोई और तरीका नहीं है।
ठीक है। तो होप अच्छा लगा होगा वीडियो, और वीडियो समझ में आ गया तो आपको समझ लीजिए गाना निकालने में जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि गाना निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आप उस पर मेहनत करिए कि हमें इस पर मेहनत कैसे करनी। तो होप अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अपना जो विचार है मेरे वीडियो के प्रति आप बताइए कि जो मैंने आपको बताया क्या वो बिल्कुल सही बात बताई, और उसमें आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो मैं आपको कमेंट करूँगा। धन्यवाद।